इधर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि सांसद महोदय दबंग अंदाज में शपथ लेते दिखे। उन्होंने मैथिली में शपथ ली, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे नारे लगा दिए कि सत्ता पक्ष से किसी ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद वो आपे से बाहर हो गए। सांसद पद की शपथ लेने के बाद जब पप्पू यादव प्रोटेम स्पीकर भर्तहरी महताब का अभिवादन कर रहे थे, इसी दौरान उनकी सत्ता पक्ष के सांसदों से बहस हो गई। इस पूरे मुद्दे पर पप्पू यादव की ओर से सफाई आई है। क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में वो आप देखिए। पप्पू आएंगे और छाएंगे, इस तरीके की तर्ज पे लोग माने जा रहे थे। लोग आपके क्षेत्र के लोग कह रहे थे कि जब वो आएंगे तो वो छा जाएंगे। आप आए पहले दिन और पहले दिन ही आप चर्चा में हैं। पप्पू आएंगे छाएंगे, ये तो परिस्थितियां तय करती है। कोरोना आया तो अवसर हमने चुना, बाढ़ आया तो अवसर हमने लिया। सीएम भी ले सकते थे, पीएम भी ले सकते थे, तो अवसर तो सबको मिलता है, निर्भर करता है कि कौन ले रहा है अवसर। इसको ऐसे समझिए पप्पू जी, एक बयान को लेकर मैं वही बात कह रहा हूँ। इसलिए छाने ना छाने ये सब जी। कोई मैटर अब नहीं है। 7 बार संसदीय जीवन मेरा हो गया MLA MP लगा के, और 7 बार लोगों ने 4 बार निर्दलीय बनाया। ये विश्व में दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, तो इसलिए अब वो चीज़ें गई। बात है कि आप आम आदमी की आवाज़ कैसे बनते हैं, आम आदमी को आप अपना परिवार का हिस्सा कैसे समझते हैं, सेवा आपका निश्चल है कि नहीं, दिल की गहराइयों से आप लोगों की मदद करते हैं कि नहीं, और जो मिडिल क्लास गरीब हैं, कॉमन लोग हैं, उनकी आवाज़ आप सदन में सदन के बाहर कैसे बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल पप्पू जी, एक बयान को लेकर बार बार चर्चा हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने सदन को, आप तो जब इतने सीनियर सांसद हैं तो आपने सदन की तरफ मुखातिब होकर आपने कहा कि आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं, क्योंकि इतने बार का सांसद हूँ, ये क्या था? क्योंकि वो आपसे मेरा चेयर की तरफ तो कोई बात ही नहीं थी। हमारे भाई किरण रिजू साहब ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैंने उसी पर कहा कि जो लोग आए अपने अपने जात के भगवान का जयकारा किए, नेता का जयकारा किए, उनको कोई कॉमन मैन से मतलब नहीं था। हम चमचागिरी और दलाली करने सदन में नहीं आए, या हम भगवान का जयकारा करने नहीं आए, हम आए हैं रियल में जो आम आदमी है उसकी आवाज़। जो लोग जाए सब नेता की जय जयकारा, सब भगवान, अपने जात का भगवान तो इस जात का भगवान। अब ये 40,000 भगवाने हैं इस देश में, और सदन यदि भगवान का, ईश्वर अल्लाह का अखाड़ा बना दीजिए, और तो फिर आम आदमी की बात कौन करेगा। मैंने यही कहा, मैंने तो री नीट और विशेष राज बस 2 बात कही, उस पर आप ज्ञान वर्धन हमको बता दे दीजिए। मणिपुर में जलता रहा, आज तक मणिपुर जल रहा है, तब तो आपने एक बार गए नहीं, एक बार आप मणिपुर को संभाल नहीं पाए। आप नॉर्थ ईस्ट होकर के आपकी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। मणिपुर के पूरी बेटियों और माँ को, बहनों को बलात्कार का हिस्सा बना दिए। आपने, दुनिया ने देखा क्या घटना घटी, तो आप अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और हमें आप पाठ पढ़ा रहे हैं। तो आप जीतते हैं नफरत के आधार पर, जाति गठबंधन के आधार पर, और हम जीतते हैं जनता के भरोसे, उसकी विलेज सिंह से, उसके ट्रस्ट से। तो आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। तो मैंने यही कहा कि आप हमें ना सिखाएं मर्यादा, और 7 बार संसदीय जीवन हमारा हो गया, इसलिए आप खुद को देखें, हमें ना।